çıkardı. वो तो 100 रुपये की है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपने घर से। तो आज हमें निकलना है श्रीनगर की ओर। तो कुछ श्रीनगर में काम था तो फिलहाल निकलते हैं आज। तो आज अपना बाइक जो है वो घर पे ही रहेगा, ये SD एडवेंचर। आज का जो हमारे साथ बाइक रहेगा वो है बजाज पल्सर N20। तो फिलहाल आज इसी पर निकलते हैं। बाकी राइडिंग सेटअप जो था वो पूरा लगा लिया। बाकी आप जाके सीधा मिलते हैं बाइक पर। तो आप सीधा निकलते हैं अपने सफ़र की ओर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सफ़र को एंजॉय करेंगे। तो इंशाल्लाह निकलते हैं अल्लाह तबारक तआला का नाम लेके। ये आ गया बाइक। तो एक बार बाइक का लुक चेक करो, कितना प्यारा खूबसूरत सा लग रहा है। तो आज पहली लॉन्ग राइड रहेगी मेरी N250 पे। तो निकलते हैं यहाँ से सफ़र की ओर, सफ़र को करते हैं इंजॉय। तो फिलहाल आप निकल सनगर चलाएँ तो दबा के पीछे। बिस्मिल्लाह चल, अल्लाह का नाम लेके आज के सफ़र जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से बस्ती को करते हैं अलविदा। मिरर वगैरह जो है वो सेट हो गया अच्छे से। तो जो कोई सामान भी उठाना था वो भी हमने साथ उठा लिया। एक बार कैमरे का एंगल जो है वो मैं सेट कर लेता हूँ अच्छे से। ये कुछ हमारी छोटी सी बस्ती। सफ़र काफ़ी लंबा है, ऊपर से आपको पता है आज रमज़ान का महीना चल रहा है। तो आज छठा रमज़ान है। तो ये हमारे बस्ती के लौंडे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। सनगर कसम फर्ज है इंशाल्लाह वापस दौड़े। अगू तो ये इनको करते हैं यहाँ से अलविदा। दो दिन तक तरावी जो है वो हम श्रीनगर में पढ़ेंगे। ये है ताहिर भाई, नदीम भाई, बिलाल भाई, हमारा दुकानदार। तो निकलते हैं यहाँ के तो निकलते हैं अल्लाह तबारक ताला का नाम लेके यहाँ से सफ़र को करते हैं इंजॉय। बिस्मिल्लाह सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो सफ़र जो है काफ़ी मज़ेदार सफ़र रहेगा हमारा आज। तो एक बार यहाँ के नज़ारे चेक कर लो। बाकी हर व्लॉग में ये जगह दिखाई है, तो आज आपको कुपवारा से आगे का नज़ारा थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आगे जी हम कुपवारा में, यहाँ से राइट लेंगे तो सीधा कुपवारा का जो मेन मार्केट है उसमें हम इंटर हो जाएंगे। वहाँ से एक बैग है वो काफ़ी भारी है, वो एक गाड़ी वाले के हवाले कर देते हैं। उस बैग ने कमर मेरा अधूरा कर दिया, पूरा कमर पूरा पीछे से कमर की दजियाँ उड़ा दी। यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम ही रहता है, हमेशा हमेशा। बैग करते हैं यहीं पे हवाले ड्राइवर के पास। तो बैग इससे हम लाल चौक घंटा घर के पास ले लेंगे। इस बैग ने हालत जो है वो बुरी कर दी है। तो आगे जी हम श्रीनगर नॉर्मल वाले हाईवे पे। तो यहाँ से हमें लाल चौक तक तकरीबन 20 मिनट लगी। वास्तव में किसी जगह हम रुके नहीं, सीधे चलते आए थे। क्योंकि जो हमारा सामान है वो गाड़ी में, पता नहीं गाड़ी वाला हमसे आगे या हमारे पीछे, इसलिए रास्ते में किसी जगह ब्रेक नहीं लिया हमने। आज रमज़ान में ब्रेक लेके करे भाई क्या बंदा, ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, तो इसलिए हमने भी मुनासिब नहीं समझा कोई ब्रेक लेना। सीधा जो हमने राइड को कंटिन्यू रखा। तो अभी टाइम जो आ गया 4:30 बज गए। 2 बजे हम घर से निकले थे, 4:30 बजे हम श्रीनगर में पहुंच गए। अभी फ़िलहाल देखते हैं गाड़ी वाले का भी आगे इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता हो या हमसे पीछे हो या वो बेचारा हमारा इंतज़ार कर रहा हो। ये अभी हाईवे काफ़ी खूबसूरत बनाया है श्रीनगर का हाईवे।
अभी मेरे हॉर्न पूरे खुशक हो चुके हैं। पेट्रोल तो हमने रास्ते भी भरवा लिया था, अभी पेट्रोल का कोई मसला नहीं है, तो फिलहाल राइड को कंटिन्यू रखते हैं, जाके मिलते हैं सीधा घंटा घर के पास। गाइस तो आ चुके हैं हम श्रीनगर एम एल रोड पे। सामान वगैरह हमने ड्राइवर से ले लिया, ये आप चेक करो शाम के खूबसूरत से नज़ारे श्रीनगर सिटी के। अब जाके हमें रूम पे थोड़ा बहुत तैयारी करनी है इफ्तार के लिए, कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, खाना वगैरह जो हमारा फ्रेंड है वहाँ उसने बना के रखा होगा, तो बाकी कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेंगे अपने लिए। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो इफ्तार है वो मस्जिद में करेंगे, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। फिलहाल निकलते हैं सीधा जाके मिलते हैं अपने रूम पे। यहाँ से एक बार बाइक गाइस, तो सामान जो था राइडिंग गियर्स वो हमने रूम पे निकाल के रख दिए, तो अभी थोड़ा बहुत हम डल घूमने आए थे तो यहाँ बैठे थे, थोड़ा सोचा यहाँ पे वीडियो बना लेते। एक बार मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखा देता हूँ, बैक साइड का नज़ारा काफ़ी बढ़िया नज़ारा इस टाइम रहता है, एक बार वो आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। तो अभी जाएंगे आप इंशाल्लाह जो डल लेक वाले साइड से, वहाँ से मस्जिद है वहाँ पे जाएंगे इफ्तार करने। इफ्तार जो रहेगा हमारा वो रहेगा इस टाइम इंशाल्लाह आगे क्या बोलते हैं वहाँ पे जो सेल्फी पॉइंट है राजबाग, वहाँ एक खूबसूरत जामा मस्जिद बनाई गई है, वहाँ पे आज इंशाल्लाह हम इफ्तार करेंगे। तो अभी निकलते हैं सीधा, वो बाइक लेके आ रहा है, तो फिर जाके सीधा मिलेंगे हम इफ्तार वाली जगह पे, तो इंशाल्लाह इफ्तार में जो करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो जाके सीधा मिलते हैं मस्जिद में जाके। भाई साहब इफ्तार करने के बाद आ चुके हैं हम इस टाइम टीआरसी में, और यहाँ से हमें जाना है अब रूम पे। रूम पे जाके खाना वगैरह जो हम खा लेंगे, एक बार शाम के नज़ारे देखो आप श्रीनगर स्मार्ट सिटी के। इफ्तार पार्टी क्या ज़बरदस्त थी यार, और मस्जिद का इंटीरियर इतना मस्त था क्या बताऊँ आपको, वो व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से पहले रोड पार कर लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा इफ्तार सिस्टम था वहाँ, इफ्तार था, बहुत सुहाना मौसम है। चलिए आपको हम दिखाते हैं, हम स्मार्ट सिटी श्रीनगर में इस वक्त चल रहे हैं इफ्तार करके, बहुत ही खूबसूरत मौसम है, सुहाना है। यहाँ से नज़ारा डल लेक का, डल लेक का आप नज़ारा देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छे से यहाँ एग्जीक्यूट किया गया है, बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से, आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखिए आप। हाँ तो फोर क्या किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। इफ्तार करके हम निकल चुके हैं यहाँ से, हम आपको हम रूम की ओर जा रहे हैं, अभी खाना खा के सम टाइम रेस्ट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए व्यू, इतना खूबसूरत इलाका है, यहाँ से टूरिस्ट भी आते हैं, यहाँ से आप टूरिस्ट देख सकते हैं, यहाँ से हमारी